22 जनवरी को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, जिसे लेकर के अयोध्या में उत्सव का माहौल है। देश विदेश के राम भक्त अयोध्या पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी रहे हैं। हमारे साथ में एक शख्स ऐसे भी हैं जो गुजरात से साइकिल से यहां पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं। अभी हम उनसे बात भी करेंगे। पहले आप ये देखिए कि उनकी साइकिल और किस तरह से उन्होंने इसको रामरथ बनाया हुआ है और अहमदाबाद से चलते हुए वो अयोध्या आए हुए हैं। इनका नाम है नेवाराम प्रजापति और जो है भारत भ्रमण ये निकले हुए हैं। साइकिल शूल भी है इनके इस रथ में, आप देखिए वो बनाया हुआ है। और इस रामरथ के लिए अहमदाबाद से चलते हुए साइकिल के द्वारा जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, पहले हम आपको इनका ये रामरथ दिखाना चाहेंगे। रामरथ दिखाना चाहेंगे और देखिए आपकी किस तरह से जो है इनका ये रामरथ है, साइकिल्स पर इन्होंने बनाया हुआ है और ये अहमदाबाद से चलते हुए यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं। इनके हाथ में डमरू भी है और संख भी है। जो है राष्ट्रीयता और धर्म का जो है इनका जो सिंबल है अभी इस पर दिखाई पड़ रहा है, तिरंगा लगा हुआ है और राम जी का भी है, सांस्कृतिक चिन्ह का है, श्री राम का भी है। ये रहा देखो, ये राम जी का। हम आपसे बात करते हैं कि आइए इधर आइए। हाँ जी, आए हैं आप? मेरा नाम नेवाराम प्रजापति, गौ भक्त, भारत भ्रमण साइकिल यात्रा। आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ का मेला, 3 बार अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ज्वाला देवी, नैना देवी, ऐसे मैंने 21 साल से यात्रा करता हूँ। जब बाबरी ध्वस्त हुई थी तब से जूता नहीं पहनता, 31 साल हो गए जूते पहने, नहीं पहनूंगा जब तक रामलला घर में नहीं बैठेगा, जब मैं जूता नहीं पहनेगी प्रतिज्ञा ली थी। आज 24 तारीख को दर्शन करके मैं एक बार जूता पहनूंगा और बाद में दे दूंगा। जैसे मैं राम जी के लिए अयोध्या में 4 बार आया, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, जब श्री प्रवीण भाई चौधरिया विष्णु परिषद वाले के साथ आया था, दोबारा आया जब मैं 2 दिन पेड़ पे भूखा पिया था, जब मुलायम सिंह के राज में अपने 2 बार साइकिल से आया, 6 साल पहले भी साइकिल से आया था, अहमदाबाद से राजस्थान से निकला था, गांव माहौर जिला जालौर, योगी बाबू मोदी बाबू को लेटर भेज दिया था। अहमदाबाद से आने में अयोध्या आने में कितना टाइम लगा आपको? अहमदाबाद से अयोध्या आने में 1 महीना 1 दिन लगा, 32 दिन लगा। 32 दिन कहाँ कहाँ पर रुके और इन 32 दिनों में किन किन रास्तों से होकर के गुजरे? हम रुके, मंदिर में रुके, कोई धर्मशाला में रुके, कोई पुलिस स्टेशन में रुके, कोई टोल पे रुके, ऐसे रुकते रुकते मैं यहाँ आप पहुँचाऊंगा अयोध्या नगरी में। 31 साल की तपस्या आपकी जो है वो पूरी हो रही है 22 जनवरी 2024 को, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरी उम्र 63 साल की है, भगवान की कृपा से मैं रोड की 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ और भगवान रामलला 22 तारीख को घर में बैठेंगे। सब हिंदू भाइयों को कहता हूँ, 5 दिया जलाओ, 11 दिया जलाओ, 101 दिया जलाओ, 1008 दिया जलाओ, घर में रंगोली बनाओ, मिठाई बनाओ। और सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। और बिल्कुल सनातन धर्म जैसा नहीं है, पूरे देश विदेश में दीपावली मनाई जाएगी। आप साइकिल से अहमदाबाद से यहाँ आए हैं, किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा आपके खाने पीने रहने का इंतजाम? भाई हमारे भगवान, हम खाना पीना, हमारे घर के बच्चे और हमारी धर्म पत्नी और हमारी 2 पुत्री अच्छे है, हमको छुट्टी भी दे देते है जाने के लिए और वापरने के लिए पैसे भी दे देते है। तो और मैं किसी के पास मांगता नहीं हूँ, कोई प्रेम से कह भगत जी चाय पी लो, भोजन कर लो, तो भोजन प्रसादी पा लेता हूँ। तो मैं गुड़ खाता हूँ, चना रखता हूँ, खजूर रखता हूँ, ऐसे काजू रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद रख लेता हूँ और दूध की थैली ले लेता हूँ। बिल्कुल भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और इसी क्रम में जो है जो देश विदेश के जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ये नेक राम जी हैं, इनका जो समर्पण है साइकिल से लेकर के अहमदाबाद से जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं।